पंढरपुर यात्रा का हिंदुओं में काफी महत्व है। पिछले 700 वर्षों से महाराष्ट्र के पंढरपुर में आषाढ़ महीने की शुक्ल एकादशी के पावन अवसर पर इस महायात्रा का आयोजन होता आ रहा है। इसे वैष्णो जनों का कुंभ कहा जाता है। देश भर में ऐसी कई यात्राओं के अवसर होते हैं और हर एक यात्रा की अपनी विशेषता होती है। भीमा नदी के तट पर बसा पंढरपुर शोलापुर जिले में अवस्थित है। आषाढ़ के महीने में यहां करीब 5 लाख से ज्यादा हिंदू श्रद्धालु प्रसिद्ध पंढरपुर यात्रा में भाग लेने पहुंचते हैं। भगवान विठल के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से पताका डिंडी लेकर इस तीर्थ स्थल पर पैदल चलकर लोग यहां इकट्ठा होते हैं। इस यात्रा क्रम में कुछ लोग आलंडी में जमा होते हैं और पूना तथा जजूरी होते हुए पंढरपुर पहुंचते हैं। इसको ज्ञानदेव माउली की डिंडी के नाम से डिंडी जाना जाता है। लगभग 1000 साल पुरानी पालकी परंपरा की शुरुआत महाराष्ट्र के कुछ प्रसिद्ध संतों ने की थी। उनके अनुयायियों को वारकारी कहा जाता है, जिन्होंने इस प्रथा को जीवित रखा। पालकी के बाद डिंडी होता है। वारकारियों का एक सुसंगठित दल इस दौरान नृत्य कीर्तन के माध्यम से महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत तुकाराम की कृति का बखान करता है। यह कीर्तन आलंडी से देहू होते हुए तीर्थ नगरी पंढरपुर तक चलता रहता है। जून के महीने में शुरू होकर 22 दिनों तक चलती है। पंढरपुर की यात्रा की विशेषता है उसकी वारी। वारी का अर्थ है सालों साल लगातार यात्रा करना। इस यात्रा में हर वर्ष शामिल होने वालों को वारकरी कहा जाता है और यह संप्रदाय भी वारकरी संप्रदाय कहलाता है। इस वारी का जब से आरंभ हुआ तब से पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार के लोग हर साल वारी के लिए निकल पड़ते हैं। महाराष्ट्र में कई स्थानों पर वैष्णो संतों के निवास रहे हैं या उनके समाधि स्थल हैं। ऐसे स्थानों से उन संतों की पालकी वारी के लिए प्रस्थान करती है। आषाढ़ी एकादशी के दिन पंढरपुर पहुंचने का उद्देश्य सामने रखकर उसके अंतर के अनुसार हर पालकी का अपने सफर का कार्यक्रम तय होता है। इस मार्ग पर कई पालकियों एक दूसरे से मिलती हैं और उनका एक बड़ा कारवा बन जाता है। वारी में दो प्रमुख पालकियां होती हैं, उनमें एक संत ज्ञानेश्वर जी की तथा दूसरे संत तुकाराम की होती है। 18 से 20 दिन की पैदल यात्रा कर वारकरी देव शयनी एकादशी के दिन पंढरपुर पहुँच जाते हैं। वारी में शामिल होना या वारकरी बनना यह एक परिवर्तन का आरंभ है। इसलिए यदि कोई वैष्णव हो या ना हो, एक बार वारी के साथ यात्रा करने का अनुभव ग्रहण करना बड़ा जरूरी है। वारी से जुड़ने पर मनुष्य के विचारों में परिवर्तन होता है तो उसके आचरण में भी परिवर्तन होता है। यह पूरी प्रक्रिया वारी में अपने आप शुरू हो जाती है, क्योंकि वारी का उद्देश्य है ईश्वर के पास पहुँचना, उसके निकट जाना। वारी में दिन रात भजन कीर्तन नाम स्मरण चलता रहता है। अपने घर की कामकाज की खेत की समस्याओं को पीछे छोड़कर वारकरी वारी के लिए चल पड़ते हैं। लेकिन वारकरी देवावादी बिल्कुल नहीं होता, बल्कि प्रयत्नवाद को मानकर अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करता है, क्योंकि हर काम में वह ईश्वर के दर्शन ही करता है। वारी का अपना एक अलग ही व्यवस्थापन होता है। हर वारकरी किसी न किसी डिंडी का सदस्य होता है। एक छोटे किंतु संगठित समूह को डिंडी कहा जाता है। हर डिंडी को एक क्रमांक दिया जाता है। पूरी वारी की यात्रा में इस डिंडी का स्थान निश्चित रहता है। किसी भी डिंडी को यह अनुशासन भंग करने की अनुमति नहीं होती है। एक गांव से दूसरे गांव को जाने का समय निश्चित रहता है। कोई समय पर अपनी डिंडी में नहीं पहुँच पाए तो वारी उसके लिए बिना रुके आगे चल पड़ती है। हर डिंडी का एक प्रमुख होता है, उसी के नाम से डिंडी जानी जाती है। एक डिंडी में आमतौर पर 150 से 200 लोग होते हैं। वारी में शामिल होते ही हर सदस्य अपनी अपनी डिंडी के प्रमुख को अपने आने की सूचना देता है और खर्च करने के लिए तय रकम उसे सौंप देता है। उसके बाद उस सदस्य की पूरी जिम्मेदारी वारी के प्रमुख की होती है। यह सिलसिला पंढरपुर पहुँचने तक चलता है। सामान ढोने के लिए हर डिंडी के लिए एक ट्रक या टेम्पो साथ में रहता है। हर रोज के यात्री के विश्राम का स्थान पहले से ही तय होता है। डिंडी के प्रमुख वहां पहले पहुंचकर अपने सदस्यों की व्यवस्था करते हैं। 700 सालों की लंबी अवधि में कभी यह सुनने में नहीं आया कि डिंडी का प्रमुख पैसा लेकर भाग गया हो या उसने कुछ गोलमाल किया। अगर नगर में हर ग्राम में पालकी का कहां स्वागत होगा, स्वागत कौन करेगा, इसकी भी परंपरा सी बनी है। पालकी का निवास उस नगर के सबसे बड़े मंदिर में होता है। अन्य डिंडियों अलग अलग मंदिरों धर्मशालाओं में विश्राम करती है। वारी में हर साल लाखों लोग सम्मिलित होते हैं।
लेकिन फिर भी यह कारवां सुनियोजित ढंग से सैकड़ों सालों साल चलता जा रहा है। वारी की हर डिंडी मानो एक परिवार सी बन जाती है। डिंडी के सदस्य अलग अलग गाँव के होते हैं, वारी के बाद भी उनका आपस में संपर्क रहता है। अपने पास की खाने पीने की चीजें बांटी जाती हैं। बूढ़े लोग आपस में बात करते हैं। सास बहू मिलकर दूसरी महिलाओं के साथ अपने सुख दुख बांटती रहती है। डिंडी में कभी संघर्ष हुआ है, हाथापाई हुई है या दो डिंडियों में संघर्ष हुआ है, ऐसा आज तक कभी सुनाई नहीं दिया। पंडरपुर की वारी में कई प्रांतों से भक्तगण हर साल आते हैं। पांडुरंग वैष्णो तथा शिव का एकाकार रूप है, इसी कारण यह तीर्थ क्षेत्र महान है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।